हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अनुपात की आपकी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। आप लोगों ने जो भी अपनी प्रॉब्लम्स भेजी थी, जो अब तक आपने पढ़ा है उसमें अपने जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है। क्यों सभी के क्वेश्चन में नहीं ले पाया, बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम थी, बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे को नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है। मैंने अनुपात में काफ़ी चीज़ें करवा दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपके बीच में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, जब आपके एक दो टॉपिक हो जाएंगे तो आपका टेस्ट भी चलेगा, उसके अंदर वो क्वेश्चन भी आपके शामिल कर लिए जाएंगे जो आज के वीडियो में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं लगभग एक कोई से भी एक दिन वीक के अंदर, एक दिन या 10 दिन में, 15 दिन में एक बार एक क्लास आपकी ऐसी ज़रूर होगी जिसके अंदर अपन 40-50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और उनका जवाब आप लोग ही देने वाले होंगे, और आपको जो भी दिक्कत आएगी वो सारे क्वेश्चन आपको उस दिन समझा दिए जाएंगे। तो देखिए, आज की लास्ट क्लास है, सभी लोग पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए ना, पहले तो सभी शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं अपन। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए ना, टाइम दिया जा रहा आप लोगों को शेयर करने का, जल्दी शेयर करिए सभी, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन आज के। और अगला टॉपिक स्टार्ट होगा आपका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ आपका टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले अनुपात के आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, यदि सभी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 50-60% क्वेश्चन अब आ जानी चाहिए कोई भी बुक के अंदर, कहीं से भी आप जब क्वेश्चन देखते हो अनुपात के, तो कम से कम आधे क्वेश्चन तो अब आपको आने चाहिए, बस आप प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हम और सीखने वाले हैं। ओके, सभी ने शेयर कर दिया होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो उन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिए ना, लाइक जरूर कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है अनुपात टॉपिक से, आपको जो भी दिक्कत आती है अनुपात टॉपिक से, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज की क्लास लास्ट क्लास है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट लेकर आऊँगा उसके अंदर आपके ये सभी क्वेश्चन जो अभी आज की क्लास में नहीं शामिल किए जाएंगे वो उस टेस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे। इसलिए आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उन क्वेश्चन का कलेक्शन अपने पास रख लूँगा, फिर एक साथ आप लोगों को सोल्व करवा दूँगा, ठीक है। देखो, अब ऐसे है कि जैसे कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा, तो हर किसी एक एक स्टूडेंट के लिए 3-3, 4-4 क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो नहीं बन सकता है, लेकिन जो मैं टेस्ट आप लोगों का कराऊँगा 50-100 क्वेश्चन जो लेके फिर सोल्व करवाऊँगा, उन क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन जरूर शामिल करूंगा। या फिर आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां पे भी जुड़ सकते हो आप, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। कमलेश यादव मैथ सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, तो भी आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाती है, अपनी जो भी पीडीएफ है, जो भी टॉपिक चलेगा उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिला करेगी, ठीक है। तो देखिए, करते स्टार्ट अपन। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी, जो भी आप लोगों ने पूछा है वो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, बहुत जोरदार जोरदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर है, सभी लोग सोल्व करें, कोशिश कर लीजिए सभी। यदि 2r बराबर h प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर बराबर नहीं है जीरो, तो आर अनुपात एच का मान क्या होगा, कोशिश कर लीजिए सभी, थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा आप लोगों को। ओके, तो मैं सोल्व करके बताता हूं आपको ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आप लोगों का, 2r बराबर, ध्यान से समझना, 2r बराबर है h प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और r बराबर नहीं है जीरो, बस ये बताना चाह रहा है कि r के बराबर जीरो नहीं मान सकते, ठीक है। तो आपको बताना है r अनुपात h, आगे हल करने का तरीका देखना, इसमें वर्गमूल है इसमें वर्गमूल नहीं है, तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना जिस पर वर्गमूल नहीं है उसे इस तरफ ले आओ, h इधर आया तो माइनस का हो गया। अब देखो, एक तरफ तो वर्गमूल वाली जाति हो गई और एक तरफ बिना वर्गमूल वाली जाति हो गई, ऐसे दोनों जातियों को अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो इसे क्या बोला जाता है, वर्गमूल के चिन्ह को बोलते हैं घात में 1/2 भी बोल सकते हो, चाहे 1/2 लगा लो चाहे वर्गमूल का चिन्ह लगा लो, बात तो एक ही होती है, वर्गमूल घनमूल में पढ़ाया था आपको,
ठीक है, तो 1/2 लगा दिया। 1/2 का इलाज क्या होता है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे ना तो ये जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 इधर वर्गमूल इधर से उड़कर दूसरी साइड जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2r माइनस h के ऊपर घात कितनी आएगी, 2 आएगी, बराबर इधर क्या आया, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आ गया। अब आप देखोगे और आपने बीजगणित पढ़ी हुई है, बीजगणित संक्रिया पढ़ी हुई है आपने मेरे बेसिक वीडियो में, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है और मैं बता देता हूँ फॉर्मूला कौन सा नजर आ रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर नजर आ रहा है। ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर, इसे बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे हल करते हैं, तो देखो a की जगह पर तो क्या आता है 2r और b की जगह पर क्या आता है h, तो यहाँ पर ये लिख दीजिए क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है, तो इस जगह पर लिखने स्टार्ट कर दो। सबसे पहले करोगे ए स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर कर दो, 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया। फिर प्लस b का स्क्वायर करना है तो h का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 2 गुणा a का मान कितना रहा है 2r, तो 2r लिख दो। फिर b का मान कितना रहा है, b का मान आ रहा है h, तो h लिख दो, ठीक है। और बराबर के अंदर देखो क्या रहा है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आ रहा है, इसे ऐसे कैसे लिख दो क्योंकि इसका फॉर्मूला याद नहीं है। तो अब क्या हो गया, देखो 4r स्क्वायर तो ये हो गया, ठीक है, 4r स्क्वायर और ये h स्क्वायर है ना, इसे देखो इस साइड लेके आ जाओ, एच स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ना यहाँ पर, तो इस साइड आके बराबर के इधर आएगा ना, बराबर के इस साइड आते माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल कर दिया मैंने, अब क्या क्या बचा, माइनस 2 × 4, तो ये हो गया 4RH और बराबर है आर स्क्वायर ही बचा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, 2 × 4 हो गया ना, आर एच हो गया बराबर आर स्क्वायर हो गया। इस आर स्क्वायर को देखो, इस आर स्क्वायर को देखो, इस आर स्क्वायर को इधर भेज दो तो 4r स्क्वायर की तरफ, 4r स्क्वायर की तरफ ये r स्क्वायर गया तो माइनस का हो गया, और ये 4rh है ना, देखो अब बराबर है ना यहाँ पर, तो इधर क्या बचा, 0 बचा, लेकिन 4rh को आप इस साइड लेके आ जाओ तो यहाँ पर प्लस का हो गया, ठीक है। देखो क्यों लेके आया, घात 2 वाले एक तरफ, घात 1 वाले एक तरफ, ऐसे कर दिया मैंने, समान जातियों को एक तरफ रखना पड़ता अपने को। 4r स्क्वायर को 1r स्क्वायर घटाया तो 3r स्क्वायर हो गया, और बराबर में क्या है, 4rh है। आगे आप देखोगे तो इधर r कितनी बार है, 2 बार, इधर r कितनी बार है, 1 बार, तो r से 1 बार r कैंसिल हो जाएगा, भाई बराबर है ना, तो काट सकते हो आप ऊपर ऊपर भी, तो यहाँ पर 2 बार r था, यहाँ पर 1 बार r है, तो 1 बार r से 1 बार r कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचा, 3r बराबर 4h बच गया। तो अब क्या करेंगे, 4 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ गया, 4:3 आ गया, ठीक है। आर अनुपात एच का मान कितना आया है, 4:3 आया है, ठीक है। किसी को कम समझ में आया तो वीडियो आप वापस देख लेना, ठीक है, आपको सबको समझ में आ जाएगा, मैंने करके बता दिया है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए थे तो आपको फिर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीख सको। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, जो मैंने सॉल्यूशन करवाया है स्क्रीन शॉट ले लेना, इसे बाद में नोट करना, आपको सबको समझ में आ जाएगा, क्लास होने के बाद में आप नोट कर लेना, बाद में आपको सबको समझ में आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 31:23 है। कॉलेज में 75 अधिक लड़कियों के भर्ती होने पर यह अनुपात 124:107 हो जाता है। लड़कों व लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कितनी और लड़कियों को कॉलेज में भर्ती होना होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से और सोल्व करने की कोशिश कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, है ना। नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका कल से नया टॉपिक चलेगा, लेस एम एस से चलेगा, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है लेस एम एस से के सभी क्वेश्चन करने में, है ना। कुछ क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं लेकिन लगभग आधे के बाद में, जैसे मानो 100 क्वेश्चन हो तो 50 क्वेश्चन के बाद में 51वां क्वेश्चन करने में बड़ा जोर आता है बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि लेस एम एस के सभी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। आपको इतने आसान तरीके से समझाया जाएगा हर चीज़ को टाइप वाई टाइप कि आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दोगे कुछ ही दिनों में लेस एम एस की। इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज लगातार मिलते रहे, हम लगातार आप लोगों के लिए वर्क करते रहे, इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है।
एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 31:23 है, 75 अधिक लड़कियों के भर्ती होने पर यह अनुपात 124:107 हो जाता है। लड़कों व लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कितनी लड़कियों को कॉलेज में भर्ती होना होगा? ओके ठीक है, सभी ने कोशिश कर ली होगी, मैं सोल्व करके बता देता हूँ। तो ध्यान रखना सभी, अच्छी तरह से देखना, कॉपी पेन जरूर साथ रखें ना, जितना हो सके उतना खुद जरूर कोशिश करें, पूरी तरह से डिपेंड न रहे कि हाँ सर हल करके बता रहे हैं तो बस इधर देखते रहो, इसी से अपना काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, इसी से मेरा काम चलेगा, मेरा पढ़ाने का काम चलेगा, ठीक है, आपके सीखने का काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसलिए आप लगातार कॉपी पेन जरूर यूज करें, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ उस टाइम के अंदर सिर्फ आप यहाँ पर देखिए ना, ट्यूशन की तरफ ही नजर रखें। जब मैं आपको सोल्व करने के लिए बोलता हूँ उस टाइम में कॉपी पेन यूज करिए। तो देखिए अब समझना है ना, आप कॉपी पेन यूज मत करना अभी। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 31:23 है, आपको फर्स्ट लाइन दिख गई होगी लड़के व लड़कियां, तो आप लिख सकते हो बी अनुपात जी, बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल्स है ना, तो यहाँ पर हो गया 31:23 है, ये आपको दे रखा है। आगे पढ़िए, कॉलेज में 75 अधिक लड़कियों के भर्ती होने पर यह अनुपात 124:107 हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाए हैं, तो यह पर अनुपात को क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया 31 है, से लड़के तथा लड़कियां, ये लड़के व लड़कियों की संख्या है, एक्स लगा सकते हैं ना, क्यों काटी गई संख्या, ये अनुपात था, अनुपात कब बना, जब काटा गया होगा, किससे काटा था, एक्स को काटा था। 75 अधिक लड़कियों के भर्ती होने पर, ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, तो भर्ती हो रही है लड़कियां, तो 75 लड़कियां भर्ती हो गई, भर्ती होने पर यह अनुपात 124, ठीक है, 124 अनुपात कितना हो गया, 107 हो गया, ठीक है। अब कईयों ने क्या किया होगा, या इसे वज्र गुणा करना स्टार्ट कर दिया होगा, इसलिए टाइम भी बहुत लगा होगा, लेकिन आप देखिए ऊपर ऊपर काटा जा सकता है। 31 को आप एक बार 4 से गुणा करके देख लो, यदि पहाड़ा याद नहीं है तो 124 आता है, तो 31 से 4 कितना होता है, 124, ठीक है, 31 चौक 124 होता है। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, अब करके देख लीजिए, आप वज्र गुणा कर दीजिए आराम से, देखो ये वज्र गुणा कर दिया तो इधर तो आ गया 107 एक्स आ गया, और बराबर के अंदर देख लीजिए, अब 23 एक्स को 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करना कोई मुश्किल है नहीं, 4 का फाड़ 23 का फाड़ा याद हो तो और भी आसान हो जाता है, लेकिन मान लो आपको फाड़ा याद नहीं है तो भी आराम से कर लीजिए, 4 3 12 और 4 2 8 923 92, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हो गया। और अब प्लस 75 को किससे गुणा करोगे, 4 से, तो 5 चौका 20, 7 चौका 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, तो 300 हो गया, 92 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 107 में से 92 घटेगा, 107 में 92 घटेगा तो कितना आया, 15 आ गया, तो 15x = 300 ना, इतना बड़ा नहीं था क्वेश्चन, बड़ी आसानी से आप कर सकते थे, 15 एकम 15 15 दूनी 30, ही कट गया, एक्स का मान क्या आया, 20 आ गया, एक्स का मान 20 आया तो भी आंसर आया नहीं, तो देखो लड़के कितने हैं, लड़के तो हो गए 31, एक्स थे ना पहले संख्या, देखो लड़के पहले 31 एक्स थे, और लड़कियां फिर कितनी हो गई थी, 23x + 75, तो ये तो पहले पुरानी संख्या निकाल लो आप कि पहले कितने थे, तो आप 31 को किससे गुणा करोगे, 20 से, 31 को 20 से गुणा करोगे तो देखो आपके पास कितना आएगा, 620 आ गया। फिर 23 को आप किससे गुणा करोगे, 20 से, तो यहाँ पर कितना आ गया, 460 आ गया, ठीक है। पहले लड़के कितने थे, 620, पहले लड़के 620, लड़कियाँ कितनी है, 460, फिर इसमें कितनी लड़कियाँ शामिल हो गई, 75 शामिल हो गई, ये देखिए 75 लड़कियाँ शामिल हो गई, तो कितना हो गया, 535 हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट टाइम पढ़िए, क्वेश्चन लास्ट टाइम बोल रहा है कितनी लड़कियों को कॉलेज में और भर्ती करें कि दोनों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। 75 को शामिल कर लिया था लेकिन फिर भी समान नहीं हुई, तो समान करने के लिए कितनी लड़कियों को और भर्ती किया जाए, मतलब लड़के कितने हैं, 620, तो लड़कियां भी 620 होनी चाहिए, तो देखो समान करने के लिए कितना शामिल करना पड़ेगा, 535 में इतना बढ़ाओ कि 620 आ जाए, तो 600 के लिए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, आपको बढ़ाना पड़ेगा 65, ठीक है, 600 बनाने के लिए 65 पे 20 और जोड़ दो 65 के अंदर, कितना हो गया, 85, मतलब कितनी लड़कियां और आनी चाहिए थी, 85 लड़कियां और आती ना 75 के बाद में, तभी जाके और लड़के व लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 85। इस तरह क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको बड़े ध्यान से पढ़ के और फिर सॉल्व करना पड़ता है ना, सभी को समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बता दीजिए आप सभी। इसका आधा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका था, आधा में थोड़ा सा आगे फर्क था ना, ज़्यादा फर्क नहीं था, आप बस समझते रहिए।
एक क्वेश्चन नहीं आता है, देखो ऐसा नहीं है, यदि कोई 100 क्वेश्चन में से आपको 20-30 क्वेश्चन नहीं आए, इसका मतलब यह है कि आप सीख नहीं पाओगे। देखो ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि आप सीख नहीं पाओगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि यदि आपको मेरी टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गए तो आप लोग किसी से कम नहीं हो। आप लोग पक्का है आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। वापस बोल रहा हूँ, यदि टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन भी आपको मेरे अच्छे से समझ में आ गए हैं जो पिछली क्लासेज मैंने करवाई है, तो आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन बस इतना सा है, यदि आज आपको टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन आज तक आपको अच्छे से आते हैं तो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस करते रहिए। गलत होने से मत डरिए, गलती होने दीजिए, जितना होता है गलत होने दीजिए, जो भी गलत होता है उसका सोल्यूशन कर लिया जाएगा धीरे धीरे। एक दिन के अंदर सब कुछ नहीं सीख सकते, एक दिन में सीखने की उम्मीद मत रखिए। जो भी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि नहीं मुझे आज ही पूरा आना चाहिए, लो मेरे को एक क्वेश्चन है जैसे मैंने अनुपात आज पढ़ा दिया, ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे, इस चीज़ को आप इसे ध्यान रख लेना। मैंने आज अनुपात जैसे कंप्लीट करवाया, आप अनुपात किसी भी बुक में से उठाओगे और आपको लगे कि लो 200 क्वेश्चन थे, 200 में से 150 ही आए और 50 क्वेश्चन के आप टेंशन करके बैठ गए और ऐसे सोचो लो अभी तो 50 नहीं आ रहे, मैथ कभी नहीं आएगी, छोड़ो मैथ को, तो भाई उन 50 की टेंशन मत करो, 150 की खुशी मनाओ कि 150 तो आए कम से कम, थोड़े से दिन हुए हैं, 4-5-7-8 दिन हुए हैं मात्र इतने से, और इसके अंदर आप 150 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पा रहे हो, तो खुशी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, न कि उसका दुख होना चाहिए कि 50 नहीं आए। और कोई बात नहीं, 50 नहीं आए चलो ठीक है, सीखना जरूर है, वो बात सही है, लेकिन कम से कम 150 तो इतनी जल्दी आ गए ना, तो 50 क्वेश्चन को थोड़ा और टाइम ले लेंगे और सीख जाएंगे बाद में धीरे धीरे। तो इसलिए जितना भी आ जाए उसमें खुश रहो बस कि हाँ मज़ा आया और बाद में और सीखना है, जितना आ गया उतना खूब है, आगे और सीखते जाएंगे, बस ये वाली थिंकिंग होनी चाहिए। 50 को लेकर रोते मत रहना कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लो सर मेरे को आ नहीं रहे, मेरे को आ नहीं रहे सर, मैं कभी मैथ नहीं पढ़ सकता, ऐसे स्टूडेंट होते, तो आप वैसे मत बनना, आप आराम से हंसते खेलते रहिए, खुश रहिए, जितना आ जाए उसमें खुश रहिए और बस आगे आगे और सीखने की कोशिश करते रहिए, बहुत आगे तक जाओगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, राम के पास 10 रुपये तथा 20 रुपये की कुल 18 नोट है, यदि उसके पास कुल धन 200 रुपये है तो 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। राम के पास 10 रुपये तथा 20 रुपये के कुल 18 नोट है, यदि उसके पास कुल धन 200 रुपये है तो 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। सभी लोग करके देख सकते हो आप क्वेश्चन, नोटों वाले जो क्वेश्चन बताए थे उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है, अलग तरीका आया है, नोटों वाले क्वेश्चन मैंने हल करके बताया था आप लोगों को, लेकिन ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। इसी तरह से हर चीज़ आपके सामने आती रहेगी ना, जो सीख चुके हैं वो तो सीख ही गए और मैं आगे आगे नई नई चीज़ ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। ओके, सभी ने कोशिश कर ली होगी, मैं करके बता देता हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, देखते रहना आप सभी, समझ में सबको आ जाएगा वैसे, क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें बता दी आपको, टाइप वाई टाइप क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना 10 रुपये तथा 20 रुपये के कुल 18 नोट है, तो देखो 10 रुपये, आप बस नोट को देखना, ये 10 रुपये का नोट है और नोट ही है ना, 10 रुपये का एक नोट मानो आप, और इधर है 20 रुपये का नोट, देखो ये दिख गया आपको, दिख गए, ये तो गया नोट सिक्का। अब क्या नहीं चाहिए, संख्या, मैंने बताया था ना आपको, पहले आता है सिक्का, फिर क्या आती है संख्या। अब संख्या देखिए, संख्या है 18 नोट है, मतलब 18 नोट दोनों के हो गए, ठीक है, 18 नोट एक के नहीं है, 18 नोट दोनों के हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो अब दोनों के अलग अलग नोट बांटने थे, अनुपात देने रखा, तो ये तो हो गई संख्या, सॉरी सिक्का। दूसरी स्टेप क्या आती है, संख्या, और संख्या में दिक्कत क्या आ रही है, संख्या में 18 नोट एक साथ दे रखे हैं, चलो ठीक है मैंने लिख लिया कुल नोट 18, कुल नोटों की संख्या कितनी है 18, फिर आगे दे रखा है यदि उसके पास कुल धन 200 है, लो ये कुल धन भी इसी तरह दे दिया, कुल धन 200, नोट भी इसी तरह दे दिया रियल में और धन भी इसी तरह दे दिया,
आपके माइंड में क्या होगा कि काश यहाँ पर अनुपात दे देता कोई सा भी। हमने दो तरह के क्वेश्चन कर लिए आपसे पहले, जिसमें नोटों की संख्या का अनुपात होता था 2:3, तो 2x लिखते 3x लिखते, या फिर कुल धन का अनुपात हो जाता, यहाँ पर मूल्य वाली लाइन आएगी तीसरी, तो यहाँ पर 2x 3x लिख देते। लेकिन दिक्कत क्या आई, अनुपात दोनों में से ही नहीं दिया। जब दोनों में से अनुपात नहीं दिया तो किसी एक को आप अनुपात जैसा बना लीजिए। जैसे मान लो ये है कुल नोट है, इसे आप अनुपात जैसा बना लीजिए। अब यदि मैं ऐसे कहूँ कि 10 रुपये के 8 नोट हैं, इसके कितने बचे, इसके 10 नोट बचे, कैसे आया 18 - 8। यदि मैं बोलूँ इसके 2 नोट है 10 रुपये के, तो 20 रुपये के नोट बताओ, 20 रुपये के नोट कितने होंगे 16, कैसे आया 18 - 2। यदि मैं यहाँ पर बोलूँ इसके एक्स नोट है, इसके एक्स नोट है, तो इसके कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर इसके 18 - x नोट होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर यदि 4 नोट होते तो 18 - 4 14 ही तो आता, यदि यहाँ पर 10 होते तो 18 - 10 8 ही तो आता, यहाँ पर x है तो 18 - x तो आएगा, समझ गए होंगे आप लोग। तो ऐसे अनुपात न दिया तो हमने अनुपात के जैसा बना लिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बचा, मूल्य, और आपको पता है सिक्का गुणा संख्या बराबर मूल्य, तो मूल्य की लाइन आ जाने, तो ये हो गया 10x, और इसमें गुणा कर दीजिए 20 - 18 - x। ऐसे कोष्टक जरूर लगाना, क्योंकि ये 20 है ना, ये दोनों से पूरे से गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी राशि, एक राशि ये रही, एक राशि ये रही, तो कुल राशि कितनी आ रही है 200। तो समीकरण बना लीजिए 10x + 20 को 18 से गुणा कर दो, 360 और -20x और बराबर में कितना आ रहा है 200 आ गया, ये कुल धन आ गया। बस आसानी से आंसर आ जाएगा आप लोगों का, देखते रहिए बस आप लोग। तो 20 में 10 गया तो माइनस का 10x आ गया, और 200 है, 360 इधर आएगा, तो ये 200 में से 360 कटेगा तो माइनस का आएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 10/2 में आएगा, 0 से 0 कैंसिल, x का मान क्या आया 16। अब देखिए क्या पूछ रहा है, लास्ट में आपको पूछ रहा है 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x मानी है, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई 16 हो गई। आपका आंसर कितना हो गया 16। तरीका वही है, देखो सिक्का संख्या मूल्य, कोई तरीका नहीं बदला है, तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रही है बस आप लोग, एक तरीके को ढंग से समझ लीजिए, फिर चाहे लैंग्वेज कैसी भी आए, जो भी कमियां दिखे उसे बस पूरी करो, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, ए बी सी तथा डी में व्यापारिक भागीदारी में उसके लाभों का हिस्सा इस प्रकार है, ए का हिस्सा बटा बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटा सी का हिस्सा बराबर सी का हिस्सा बटा डी का हिस्सा बराबर 1/3। यदि कुल लाभ 400,000 हो तो सी का हिस्सा क्या होगा। ए बी सी डी में व्यापारिक भागीदारी में उनके लाभों का हिस्सा इसी प्रकार है, ए का हिस्सा बटा बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटा सी का हिस्सा बटा डी का हिस्सा बराबर 1/3, तब कुल लाभ 400,000 रुपये हो तो सी का हिस्सा क्या होगा। ओके, तो देखिए मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। देखो बस क्वेश्चन का है ना, ये लिखने का तरीका ना बस यही कुछ अलग सा है, और बाकी देखो इसका सॉल्यूशन कितना आसान रहेगा। आपको सबसे पहले दे रखा है ए बटा बी बराबर, फिर दे रखा है बी बटा सी बराबर, हिस्सा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, फिर ये सी का हिस्सा और ये डी का हिस्सा, और बराबर है 1/3। इससे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, पिछले क्वेश्चन अपन ने किए हैं ए अनुपात बी, सब बराबर है, तो इसके बराबर क्या है 1/3 है। बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी बराबर भी क्या है 1/3 है, और इसके बराबर भी क्या है 1/3 है। यहां पर लोग आपको कितने नजर आ रहे हैं, 4, कौन कौन, ए बी सी और डी, इन चारों में कितने लाख रुपए बटे हैं, 400,000 रुपए, ठीक है, 400,000 रुपए इनके अंदर बटे हैं। अब 400,000 रुपए को इनको बांटना है तो इनका क्या चाहिए, अनुपात चाहिए।
सबसे पहले क्या किया, ये लाइन आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो इसका अनुपात इसके बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर ही लिख लिया। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर 4 लाख रुपए आए हैं ए बी सी डी के, तो यहाँ पर ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी चाहिए 4 लाख रुपए को बांटने के लिए। और अनुपातों को मिलाना मैंने आपको बता दिया था, बी दो बार आ रहा है तो बी के नीचे कौन आया, बी, बी के पहले ए और फिर सी, फिर सी के नीचे फिर से सी और सी के आगे डी। अब मान लिख दीजिए आप, मान मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ए का मान आएगा 1, फिर दूसरे बी का मान आएगा 3, फिर दूसरे बी का मान कितना है देखो 1, और फिर सी का मान कितना आ गया 3, फिर नीचे दूसरे सी का मान कितना आया 1, और फिर डी का मान कितना आ गया 3, ये आ गया। खाली जगह कौन भरता है, बगल वाला भरता है, ये देखो बगल वाले आ गए और भर दिए जगह को। इधर देखो ये 1 आ गया, इधर 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया, ठीक है, खाली जगह को बगल वाला भर दिया। अब अनुपात निकाल लीजिए, 1 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 तिया 9 तीस 27, ठीक है। अब क्या करना है, सी का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो देखो ये तो है ए का मान, ये बी का मान है, ये सी का मान है, डी का मान, मैंने आपको अनुपातों के आधार पर बांटना बता दिया था। जब सी का बताना है तो सी बराबर ऊपर तो क्या आएगा 9 और बटा में देख लो 27, और पहले 3 जोड़ दो 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, तो 9 बटा कितना हो गया 40, अनुपात बटा अनुपातों का योग और गुणा में आपको लिखना है 4 लाख, ठीक है, ये 4 लाख हो गया। तो अब आगे हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, इधर 4 लाख लिखेंगे ना, परंतु 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, और 4 एकम 4 तो इधर बच गया 10,000 बच गया, और 9 को 10,000 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो सी का हिस्सा कितना आया 90,000। सभी को समझ में आ गया होगा, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं लगातार क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से कोशिश कर लीजिए फिर मैं समझाता हूँ ना, थोड़ी बहुत कोशिश आपको करना जरूरी है इस टाइम भी। ₹9,000 एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी से 5 गुना मिले और सी को उसका आधा मिले, जो ए तथा बी मिलकर पाते हैं, सी को उसका आधा मिले जो ए तथा बी मिलकर पाते हैं, तो सी को कितनी राशि मिलेगी, सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और कल से नया टॉपिक चलेगा, सभी लोग तैयार हो जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको एलसीएम एससीए वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, कोशिश कर ली होगी सभी ने, जिनकी स्पीड कम है आंसर नहीं आ पाता है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जितना टाइम मिले उसके अंदर थोड़ा सोचिए बस आप कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बस थोड़ी बहुत आप माइंड जरूर लगाए, उसके बाद में समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आंसर नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, अब आप समझना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन है, पहली लाइन पढ़ लीजिए, ₹9,000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं, ठीक है, ₹9,000 को बांटे हैं ए बी सी में कि ए को बी से 5 गुना मिले, ए को कितना मिले, बी का 5 गुना। पहले देख लीजिए 3 लोग हैं, कौन कौन, ए बी से, फिर ए को बी का 5 गुना मिले, मतलब यहाँ पर तीनों के बारे में, किसी के बारे में कोई संख्या नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम किसी ए को क्या मानेंगे, एक्स, एक्स किसे मानते हैं जिसके बारे में कोई बात न करे, सुन लेना, 3 लोग हैं और तीनों के बारे में यहाँ पर लिखना है, लेकिन किसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले, जिसके बारे में कोई बात न करे। तो पहली लाइन का पढ़ो, ए को बी से 5 गुना मिले, ए को बी से 5 गुना मिले, ए को मिले, ए को मत मानना एक्स, ठीक है, बचा बी और सी। आगे की लाइन पढ़ लीजिए, सी को, सी को आधा मिले जो ए और बी को मिले, सी की भी बात हो गई, सी को भी मत मानना, तो एक्स किसे मानेंगे, बी को मान लेंगे हम। अब देखो कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन, बी को एक्स माना तो ए की लाइन पढ़ लीजिए, ए को बी से 5 गुना मिले, 5x हो गया, ठीक है। और देखो सी का भी कितनी आसानी से आएगा, सी को कितना मिले, जितना ए और बी को मिलता है उसका आधा, ए और बी को दोनों को कितना मिलता है,
पाँच एक्स प्लस एक्स छः एक्स और इसका क्या करना है आधा। तो छः एक्स में दो का भाग दोगे तो कितना आया तीन एक्स आ गया। तो सी को कितना मिल गया तीन एक्स मिल गया तीनों का, और तीनों का कुल हिस्सा कितना है 9000। तीनों को कितना बांटा था 9000। तो देखो पहले को 5x, दूसरे को x, तीसरे को 3x और तीनों को मिलाकर कितना है 9000। तो 5 3 8 1 9 9x = 9000। तो x का मान आपके पास आ गया होगा, 9 बटा में आएगा तो भाग लग जाएगा, तो कितना आया 1000। तो x बराबर कितना आ गया 1000। जब x का मान आया आपके पास 1000, तो अब आपको क्या पूछा है c को कितनी राशि मिलेगी। c को मिलेगी 3x, तो 3 गुणा x की जगह लिख दिया 1000, तो आपका आंसर कितना आ गया 3000। ठीक है, c की राशि कितनी आई है 3000 राशि आ गई है। सभी को समझ में आ गई होगा, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करके बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए ने एक्स रन बनाए हो, बी ने वाई रन तथा सी ने जेड रन बनाए हो, तो एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड बराबर 3:2। यदि ए बी और सी की कुल रन संख्या 342 हो, तो प्रत्येक की रन संख्या बताइए। सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताते रहिए। ओके, सभी ने कर लिया होगा। हाँ, तो देखिए अब मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन। यदि ए ने एक्स रन बनाए हो, ठीक है, ए ने कितने रन बनाए हैं एक्स, और बी ने कितने बनाए हैं वाई, तथा सी ने कितने बनाए हैं जेड, ठीक है, ये इनके रन है, और इनके रनों के बीच में अनुपात देखो कौन सा दिया हुआ है। देखो अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने, एक ए का हिस्सा बी का हिस्सा 1/3 आ रहा था, उस तरह का क्वेश्चन है। एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड बराबर 3:2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अनुपात वाई का मान भी है 3:2 और वाई अनुपात जेड का मान भी क्या है 3:2। तो एक्स वाई और जेड तीनों को मिला तो सकते हो ना आप लोग, तो इनको मिला दीजिए। इनको मिलाएंगे तो देखो क्या होगा, वाई दो बार आया तो आप लिख लीजिए एक्स वाई वाई और आगे जेड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको टाइप नंबर सेकंड में बता दिया था। तो एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे 3 और फिर 2 और फिर नीचे 3 वाई के नीचे और फिर जेड की जगह 2, अब बस बगल वाला आ जाएगा और ये हो गया 9:6:4। अब 9:6:4 आ गया, 9:6:4 आया है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि तीनों ने कुल रन 342 बनाए हो, तीनों के कुल रन कितने हैं 342, किस किस के एक्स वाई और जेड के, तीनों के कुल रन 342 है, तो यहाँ पर आपको प्रत्येक की रन संख्या बतानी है। तो एक्स की बता दीजिए, वही तरीका हो गया, एक्स की बताओगे तो अनुपात 9 / अनुपातों का योग और गुणा में कुल हिस्सा, ठीक है, ये हो गया 342। इसी तरह y का बताओगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 6 और बटा में वही 19 और यहाँ पर आ जाएगा 342, और फिर यदि यहाँ पर z के बताओगे तो क्या आ जाएगा 4/19 और गुणा में आ जाएगा 342 और 19 का भाग दे दीजिए आप, ठीक है, 19 का भाग देना आपको आना चाहिए, 19 से कम कितना हो गया 19 और आगे देखो कितना बच रहा है, आगे बच गया 15 बच गया नहीं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है भाई, 19 से कम 19 हो गया और यहाँ पर 15 बचा तो 152 में भाग देंगे। अब 19 का 152 में भाग कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है,
ठीक है, गुणनखंड कितना होता है 152, तो 18 हो गया, तो 18 नाम कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अब आगे देखिए 342 से यहाँ पर 19 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 18, तो 18 छिकी अब यहाँ पर 8 छिकी 48, तो 18 छिकी कितना हो गया 108, और यहाँ पर दे लीजिए यहाँ पर भी कितना जाएगा 18, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इससे कौन कौन से आएंगे 162, 108 और 72, ये तीनों इससे आ जाएंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? सही बता दीजिए, किस अनुपात में कम हुआ? सभी लोग कोशिश कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लोग कोशिश करिए, ओके ठीक है, कोशिश कर ली होगी। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा लग रहा है लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है, अभी आपको देखो पता लगेगा। क्वेश्चन में बोल रखा है एक नियोक्ता, नियोक्ता मतलब मैनेजर बोल सकते हैं ना, कोई रखने वाला, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, भाई एक नियोक्ता है जो काम करवा रहा है कर्मचारियों से, तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या को 9:8 में घटाता है। कहने का मतलब पहले कर्मचारी 9 थे, घटाता है ना, तो पहले कर्मचारी कितने थे 9x थे, तो अब कर्मचारी कितने हो गए 8x हो गए, ठीक है, पहले की तुलना में घट गए। आगे क्या बोल रहा है, उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। जब 9x थे मान लो ये कर्मचारी है, तो उनका वेतन कितना हुआ करता था 14y, मान लो ये वेतन हो गया, ठीक है, ये तो पहले कर्मचारी थे 9x, तो इनका वेतन 14y था, तो कुल वेतन कितना आएगा, कुल वेतन कितना आएगा भाई, ये वेतन है एक जने का लेकिन कर्मचारी कितने हैं 9x, तो 9x के हिसाब से कुल वेतन कितना हो जाएगा 9x × 14y हो जाएगा। ठीक है, ये कुल वेतन हो गया, मतलब इसे बोल सकते हैं प्रारंभिक वेतन बिल कितना निकल कर आया है 9x × 14y निकल कर आया है। ये तो पहले का था बिल, और अब का बिल देखो क्या बनेगा, कर्मचारी तो कितने हैं 8x है लेकिन अब वेतन कितना है, वेतन बढ़ गया तो वेतन हो गया 15y, तो अब मासिक वेतन बिल कितना निकल कर आएगा 8x × 15y निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्वेश्चन ने क्या बोला बताओ, प्रारंभिक वेतन बिल यदि 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? ये वेतन बिल है, ये भी वेतन बिल है, ठीक है भाई, ये वेतन बिल है तो ये किस अनुपात में कम हुआ ये निकाल लेते हैं अपन, 9x × 14y अनुपात 8x × 15y अनुपात पूछ रहे हैं तो अनुपात लगा दीजिए। अब देखो एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो ही गया, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 14, 2 × 4 = 8, 7 × 21 अनुपात 20, पहले वेतन बिल क्या था 21, अब वेतन बिल क्या है 20, बस आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं था 18,900 रुपये दिया हुआ है तो ये काम आएगा, कोई काम नहीं आया, बस यहाँ पर पहले कर्मचारी पहले वेतन, तो कुल वेतन कितना आया ये वेतन आ गया, पहले कर्मचारी और इनका वेतन तो कुल वेतन कितना आया ये आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर दोनों का अनुपात निकाला तो यहाँ पर कितना आया 21:20 आ गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सभी लोग करिए, 900 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की राशि का बी की राशि का सी की राशि का, सॉरी ये क्वेश्चन अधूरा है, अगला क्वेश्चन देखिए सभी, अनुपात पी अनुपात क्यू प्राप्त करने के लिए आर अनुपात एस अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए?
सभी लोग करिए जल्दी से बताइए आंसर। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, सभी ने कर ली होगी कोशिश, तो मैं हल करके बता देता हूं आप लोगों को। अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए R अनुपात S अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए? ठीक है, अनुपात कौन सा रहे? P बटा Q प्राप्त करने के लिए, ठीक है, P बटा Q में नहीं जोड़ना, P बटा Q तो प्राप्त करना है, तो P बटा Q प्राप्त करने के लिए R बटा S में कम से कम, R बटा S के प्रत्येक पद में किस संख्या, कम से कम नहीं बोला है, किस संख्या को जोड़ा जाए, तो R बटा S में जोड़ना है, न कि P बटा Q में। P बटा Q तो प्राप्त करना है, R बटा S में कम यहाँ पर किस संख्या को जोड़ा जाए, तो मैंने जोड़ दिया X को जोड़ दिया। ठीक है, R बटा S में X को जोड़ा जाए कि क्या प्राप्त हो जाए? P बटा Q। आप में से कई लोगों ने पता है क्या गलती की होगी, P बटा Q में जोड़ दिया और R बटा S को प्राप्त कर लिया, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P बटा Q प्राप्त करना है R बटा S में जोड़कर, तो आपके पास ये स्टेप बन गई। अब बस इसे आगे करना है, तो आगे करके मैं आपको बता देता हूँ, क्यू आर हो गया प्लस क्यू एक्स हो गया और बराबर इधर हो गया, देखो पी एस हो गया और प्लस पी PS और PX हो गया। अब हम क्या करेंगे, समान जातियों को एक तरफ, कितना जोड़ा था, X जोड़ा था ना, तो X का मान चाहिए, तो XX को एक तरफ ले लीजिए, तो QX हो गया माइनस PX हो गया और बराबर इधर हो गया PS और यहां पर QR इस साइड आएगा, तो ये माइनस को हो जाएगा QR। ठीक है, आगे हल करते हैं भाई, यहाँ पर पी एस और ये इधर आया तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स को मन आ रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या है, क्यू माइनस पी आ गया और अंदर आ गया पी एस माइनस क्यू आर आ गया। अब देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो ये कहाँ पर जाएगा, बटे में जाएगा, तो एक्स बराबर पी एस माइनस क्यू आर बटा Q माइनस पी आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो देखो आपको मिल रहा होगा, कहीं पर भी स्टार्टिंग में पी एस नहीं मिला, ठीक है, और नहीं स्टार्टिंग के अंदर देखो Q माइनस पी तो मिल गया, पहला ऑप्शन देख लीजिए आप, Q माइनस पी तो है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी एस माइनस क्यू आर, मतलब ये उल्टा है। चलो अगला एग्जांपल देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन में भी स्टार्टिंग में क्यू आर है और यहाँ पर क्यू आर बाद में है और आगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखिए मतलब यदि इसे उल्टा कर दूँ ना तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, क्यू आर को पहले लिखो, पी एस को बाद में, पी को पहले क्यू को बाद में, तो पी माइनस क्यू वाला ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, पी माइनस क्यू और क्यू आर और यहाँ पर माइनस पी एस, ये आपको बी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, लेकिन ये होगा कैसे, इसमें कहा जाता है माइनस कॉमन लेना, ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर प्लस था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी एस हो गया और माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेना कहते हैं इसे, तो ये क्यू आर हो गया। और यहाँ पर देखो इसमें नीचे की तरफ भी माइनस कॉमन ले लीजिए, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन उल्टा मिल रहा था हमारे को ना, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो क्यू किसका हो गया, माइनस का, और पी किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो इसे क्या लिखेंगे, माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू आर, ये देखो प्लस का क्यू आर पहले हो गया और माइनस का पी एस और बटा में पी माइनस क्यू, ये आपका ऑप्शन नजर आ गया होगा, बी ऑप्शन आपको नजर आया होगा। ठीक है, यदि आपको ये स्टेप अभी कम समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस कॉमन लेना आपको नहीं आता है तो आप बेसिक वीडियो देखोगे, बहुपद के अंदर मैंने ये वाली स्टेप सिखा दी है, बहुपद का एक चैप्टर करवाया था मैंने, वहां पर ये वाली स्टेप मैंने समझा रखी है पहले से ही, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी आया है तो आप बस इसे देख लेना, यदि उल्टा करने पर उत्तर आ रहा है ना, चिन्ह बदलने पर, उल्टा करने पर आंसर आ रहा है तो आपका आंसर वही हो जाएगा, दोनों तरफ चिन्ह बदलने पर आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन के अंदर आप वो ढूंढ के टिक कर सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बस मेथड देख लीजिए, मेथड समझ में आया नहीं आया बाकी आप ऑप्शन आसानी से पहचान लोगे। सभी बता दीजिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।
चलो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया जाएगा ना, जो मैं टेस्ट लूंगा लेसन में से और अनुपात का। तो आपके जितने भी क्वेश्चन और बच गए 100 में से, और भी कई क्वेश्चन भेजे थे कुछ स्टूडेंट्स ने, तो वो मैंने अभी आज के वीडियो में शामिल नहीं किया है। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है अभी, तो ये टॉपिक पूरा होने के बाद में, जो नया टॉपिक चलेगा अपना एलसीएम एचसीएफ, ये पूरा होने के बाद में आप लोगों के लिए दोनों टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का, जिसके अंदर आप आंसर बताओगे। उसके अंदर आपको जो भी आपके और अलग क्वेश्चन जो आपने दिए थे, मेरे को भेजे थे, वो क्वेश्चन उसी टेस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे, है ना। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या पता आपको वापस से जब प्रैक्टिस करो तो आपको भी आ जाए। तो ऐसे आप एक बार कोशिश और कर लेना, वरना सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आप भेज रहे हो, सभी क्वेश्चन क्लास में शामिल जरूर किए जाएंगे। ठीक है, एक साथ एक क्लास में शामिल नहीं किया जा सकता, नया टॉपिक शुरू करना बहुत जरूरी है। तो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एलसीएम एचसीएफ, तैयार रहिए आप सभी, डेली रात 9 बजे आपकी क्लास होगी। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जो भी